हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ JDS और मैं रिलायबल फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके सामने 25 जुलाई को जो JEE मेन का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन हमने स्टूडेंट की हेल्प से तैयार किए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 जो है मॉडर्न फिजिक्स का है। इसमें टू फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ हाइट 100 एंड 600 नैनोमीटर आर इंसिडेंट ऑन मेटल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेशो आपको गिवन है 1:2। तो आपको पता करना है कि वर्क फंक्शन या वेव फंक्शन क्या होगा। साथ में HC की वैल्यू 1230 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हुए चलना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फोटोन जब किसी मेटल पर सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। और हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशो दोनों फोटोन्स के लिए गिवन है। सही, जब दो फोटोन इंसिडेंट होंगे साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस E को लिख सकता हूँ एनर्जी फोटोन को hc/λ -5। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों फोटोन्स के लिए, साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशो। तो ये तो हो जाएगा, रेशो निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। सही, HC की वैल्यू गिवन है आपको 1230 अपॉन वेवलेंथ पहले वाले फोटोन की 800 -5। इसी तरह से सेकेंड वाले फोटोन के लिए सेम इक्वेशन लगा देते हैं 1230 अपॉन वेवलेंथ गिवन है आपको 600 और -5। और जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो फाइनली जो वर्क फंक्शन कैलकुलेट होने वाला है वो इक्वल टू होगा 0.615 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही, तो आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं JEE मेन्स में। चले ना क्वेश्चन नंबर 12, अगेन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का मास m है और इस nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी v है, रेडियस r है ऑर्बिट की। तो हमें एंगुलर मोमेंटम पता करना है कि क्या होगा ना, ऑप्शन से चेक करते हुए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अगर मोशन करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है l, वो होता है nh/2π। सही, वेर l जो है एंगुलर मोमेंटम है उसको हम लिख सकते हैं mvr। तो ये रिलेशन आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है। LCR सर्किट आपको सामने गिवन है और इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। ऑप्शन से पता करना है कि ऐसा क्या चेंज करे इस सर्किट में कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा इक्वल टू होता 1/√LC। सही, अब भाई ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 गिवन है भाई इंक्रीजिंग सोर्स फ्रीक्वेंसी, यानी सोर्स फ्रीक्वेंसी को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो L इंडक्टर HC कैपेसिटर पर डिपेंड कर रही है ना। बाई डिक्रीजिंग सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। बाई एडिंग आर रजिस्टर इन अ सीरीज, जबकि हम जानते हैं ये आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। बाई एडिंग आर कैपेसिटर इन अ सर्किट, यानी C को अगर आप इसके साथ ऐड कर दोगे तो C के चेंज होने से ओमेगा आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 14, ये KTG इन थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। अ गैस इज एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम V एंड प्रेशर 5 × 10⁶ पास्कल टू 2V, then it is adiabatically expanded to volume 4V, find final pressure। और adiabatic constant जो गामा होता है उसकी वैल्यू 1.5 आपको लेना है। तो फाइनल प्रेशर निकालना जब एडियाबेटिकली गैस को हम 4V वॉल्यूम तक एक्सपेंड करेंगे। इससे पहले आइसोथर्मली हमने गैस को एक्सपेंड किया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं कि P1V1 इक्वल टू P2V2 होता है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब गैस को एक्सपेंड करेंगे तो फाइनल प्रेशर क्या होगा ना। तो इनिशियल वॉल्यूम V है, इनिशियल प्रेशर 5 × 10⁶ है। तो 5 × 10⁶ इंटू इनिशियल वॉल्यूम V, फाइनल प्रेशर इस वाले प्रोसेस का P2 मान लेता हूँ मैं, एंड वॉल्यूम हो जाएगा 2V। तो आफ्टर आइसोथर्मल प्रोसेस जो प्रेशर होगा P2 वो इक्वल टू 5 × 10⁶ डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सही, अब हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं एडियाबेटिकली अप टू 4V वॉल्यूम। तो अब हमें पता करना है कि इस प्रोसेस के बाद फाइनल गैस का प्रेशर क्या होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन लगाते हैं पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सही। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इस P2 को इनिशियल प्रेशर मानूँ इस प्रोसेस का, तो P2 यानी 5 × 10⁶ डिवाइड बाई 2 इंटू वॉल्यूम जो है इस प्रोसेस का वो 2V से स्टार्ट होगा ना, तो 2V की पावर गामा, फिर गामा इक्वल टू 1.5 इक्वल टू इस प्रोसेस के बाद फाइनल प्रेशर में P3 मान लेता हूँ और फाइनल वॉल्यूम जो गैस का हमने एक्सपेंड किया है 4V तक, तो 4V की पावर 1.5, सही। तो यहाँ से अगर हम P3 प्रेशर फाइंड आउट करें देन इट इज़ इक्वल टू 5 × 10⁶ डिवाइड बाई 2 इंटू, और ये यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 2√2 बन जाएगा ना, सही। तो फाइनल प्रेशर P3 इक्वल टू होगा 5 × 10⁶ डिवाइड बाई 4√2 पास्कल में, सही। और अगर हम इसको ऑप्शन से कंपेयर करें तो ऑप्शन नंबर 1 में ये प्रेशर आपको गिवन है, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। 2 स्केल्स ऑफ ब्रास एंड आयरन आर हैविंग एक्सपेंशन कोफिशिएंट 1.8 × 10⁻⁵ एंड 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन। डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर, then find length of iron scale if length of brass scale is 40 सेंटीमीटर, सही। तो हम जब किसी भी मेटल को थर्मली एक्सपेंड करते हैं तो फाइनल लेंथ जो होती है एल डैश वो इक्वल टू हो जाती है L1 + अल्फ़ा डेल्टा T, या डेल्टा टी क्या टेम्परेचर चेंज है, अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसने बोला है कि टेम्परेचर चेंज करने के बाद भी जो डिफरेंस है वो दोनों केस में क्या है, सेम आ रहा है। तो फिर मैं रिलेशन क्या लिखूंगा, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इक्वल टू L अल्फ़ा डेल्टा T, और ये रिलेशन अगर हम दोनों मेटल के लिए लगा दें तो L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा T इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2 डेल्टा T, और ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर दोनों केस के लिए सेम है। तो L1 इक्वल टू आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, सही, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है 1.8 × 10⁻⁵। L2 जो आयरन है वो फाइंड आउट करना, इसकी लेंथ आयरन रोड की L2 ले लेते हैं। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है 1.2 × 10⁻⁵, तो ये 10⁻⁻⁵ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल आउट कर देते हैं। तो L2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो L2 इक्वल टू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर इंटू 3/2 एंड इट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सही। तो आंसर इन सेंटीमीटर हो जाएगा 60, सही।